कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल वर्षा ब्लॉग्स एंड कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए हमने इस कटोरी से 2 कटोरी नापकर चावल लिए हैं और हमने चावल को अच्छी तरीके से वॉश करके 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया है। हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। हमारा घी गरम होगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। हमारा घी गरम हो चुका है, इसमें हम ये जीरा और एक बड़ी इलायची है ये डाल दिया हमने। अब जीरे को क्रैकल होने देंगे। हमारा जीरा भुन चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने जिस कटोरी से चावल नापे थे उसी कटोरी से हम पानी नापेंगे। हमने इससे 2 कटोरी चावल लिए थे तो हम इसी कटोरी के नाप से 4 कटोरी पानी डालेंगे। पानी संभल कर डालना, क्योंकि जब हम गरम घी में पानी डालेंगे तो पानी थोड़ा सा छींटे देगा। ये 2, 3 और ये 4, हमने इसमें 4 कटोरी पानी डाल दिया है। जब भी हमें चावल ऐसे छोक के बनाने हो तो जितनी कटोरी हम चावल लेंगे उसका 2 गुना पानी हमें डालना पड़ता है। अगर हम 1 कटोरी लेंगे तो 2 कटोरी पानी डालेंगे, अगर हम 2 कटोरी चावल नाप के लेंगे तो 4 कटोरी पानी डालेंगे। इससे हमारे चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। हम अपने पानी को उबलने देंगे। जैसे ही हमारे पानी उबलेगा हम इसमें अपने भीगे हुए चावल डाल देंगे। देखिए हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, अब हम अपने चावल इसमें डालेंगे। देखिए हमने अपने सारे चावल पानी में डाल दिए हैं, अब हम इसे बीच बीच में देखकर चलाते रहे। हम अपने चावलों को चला देते हैं ताकि जो चावल पक गए हैं वो ऊपर आ जाए और जो थोड़े कच्चे हैं वो नीचे आ जाए, जिससे कि चावल अच्छे से पक जाए। देखिए हमारे चावल हो चुके हैं, ये देखिए। चावल बिल्कुल खिला खिला हुआ है, ये देखिए। इसी तरीके से मेजरमेंट करके बनाएंगे तो आपका चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हमारे जीरा राइस बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। देखिए हमारे जीरा राइस बिल्कुल एकदम परफेक्ट बने हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जीरा राइस कैसे बने हैं। बाय बाय।